बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, बनाने जा रहे हैं बीफ ढाबा कढ़ाई रेसिपी। स्टार्ट करते जैसे हमारी आज की रेसिपी है बीफ ढाबा स्टाइल कढ़ाई बनाएंगे, जो कि बहुत ईजी है और बहुत मजे की है। यहाँ मैंने ऑयल लिया है। इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, थोड़ा फ्राई करेंगे। यहाँ देख सकते हैं प्याज को फ्राई नहीं करना है, सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है, सारी चीजें इसके अंदर ऐड करूंगी मैं। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। अच्छा जी, और इसके साथ मैं इसमें बीफ का जो गोश्त है वो ऐड करूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने पका लिया था नमक डाल के। ठीक है, इसकी यखनी नहीं डालेंगे, अभी फिर इसकी गोश्त में इसमें ऐड कर दूँ। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके अच्छे लिए मैं 1/2 के जी था वो फ्राई करेंगे इसी तरीके से अदरक लहसुन के साथ। कलर इसका बिल्कुल चेंज हो चुका है, इस तरीके से मैंने इसको जो है फ्राई किया है अदरक लहसुन के साथ, तो इसकी स्मेल जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इसमें टमाटर ऐड करूँगी, 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं चॉप बिल्कुल। इसकी स्किन नहीं निकालते हैं, इसको बिल्कुल इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। अब इसको हम पहले सॉफ्ट करेंगे। देख सकते हैं टमाटर बिल्कुल आ रही है, सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं, हो भी गए हैं सॉफ्ट। ठीक है, जो सॉफ्ट हो जाते हो जाए उस तरीके से आप उसको स्पून की मदद से ब्लेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ इसमें मैं ऐड करना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर हम बाकी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च। इसी लाल मिर्च अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ में रोस्टेड मेरे पास बना हुआ 2 खाने के चमचे धनिया है पीस लिया है, और जीरा है 1 खाने के चमचे रोस्टेड, ये डालेंगे। 2 मिनट और कुक करेंगे इसको। डालने के बाद मसाले में मैंने 2-3 मिनट कुक किया। अब इसमें नमक ऐड करेंगे हसबे जायका, जितना आपको नमक रखना है। अच्छा जी, नमक चला गया। अब इसी के साथ आपका दही, अच्छा अब इसकी भुनाई कर लेंगे दही डालने के बाद। देखिए, अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद मैं यखनी में ऐड कर रही हूँ। यखनी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ, 1/2 कप है इसमें यखनी, और गोश्त भी अच्छा खासा जो है वो गला हुआ था, उसको मैं ऐसे कुक करेंगे। देखिए, ये गोश्त गल चुका है, इसमें काली मिर्च डालूंगी आधी मुट्ठी सी, छोटी कटी हुई हरी मिर्च। अब इसको हम 2-3 मिनट बाद सर्व कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, बीफ ढाबा कढ़ाई रेसिपी रेडी है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कैसी लगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा।